संगी हैं और बैठे भी हैं आपके सामने, उन्होंने पूछा है कि शंका का स्वरूप क्या है, शंका क्यों होती है, शंका वस्तु है या अवस्तु। यदि वस्तु है तो समाधान की अपेक्षा नहीं, और यदि अवस्तु है तो स्वाभाविक ही निर्मूल है। वो कौन सी वस्तु है जिसमें शंका नहीं हुई? ऐसा यदि अपने अस्तित्व में तो कभी शंका नहीं पड़ती है, न कश्चित प्रक्रिया नाम स्मृति। तो शंका होती है तो दिल में शांति नहीं रहती है, सब शांति कृतक इतनी शंका कृति कर करे रातों से ये उड़ाने में अक्का बन जाता है वो। तो सब शांति कृतक इतनी शंका ये जिसके हृदय में आती है वहाँ ऐसी उद्वेलित होती है, काटती है कीड़े की तरह, जब तक समाधान ना हो जाए तब तक बेचैनी दूर नहीं होती है। यदि आप पूजा करके या नाम जप करके या कुछ भावना ध्यान धारणा करके अपनी शंका को दबा सकते हैं तो आप दबाइए, लेकिन यदि सच्ची शंका होगी तो ये सारे दबाव को काट के और ऊपर निकल जाएगी और आपको अपने समाधान के लिए व्याकुल कर देगी। तो इसमें एक तो होता है पदार्थ का अस्तित्व मानकर उसके प्रकार पर विचार, उभय कोटि वगायनी प्रत्येक संशया संदेह, जो इस किनारे में गए इस किनारे में गए जाता है। तो ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है कि नहीं है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न है, ये आत्मा के अस्तित्व विषय शंका नहीं है, आत्मा के प्रकार विषय शंका है। तो अपने आप का अस्तित्व माने बिना तो किसी प्रश्न को भी आप नहीं मान सकते या उत्तर को भी नहीं मान सकते। अब रहे भाई कई बात ये कि कौन सी बात प्रमाण है कौन सी नहीं है, और कौन सी बात इस प्रमाण से सिद्ध होती है कौन सी नहीं सिद्ध होती है। तो प्रमाण प्रमेय विषय जो संशय उसकी उसका रूप अपने मन में आता है। तो ये बात दूसरी है कि किसी के चरित्र पर आप शंका करें और ईमानदारी पर शंका करें, वो बात तो लौकिक है व्यावहारिक है। यहाँ तो तत्व विषय शंका है कि आत्मा परमात्मा कैसा और उसके ज्ञान से मोक्ष होता है कि नहीं, इस प्रकार का नम्रता पूर्वक साधन संपन्न होकर और तद विज्ञानार्थम गुरु एवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणि होकर विनय पूर्वक जाना चाहिए सदगुरु के पास और अपने मन में जो तत्व विषय संशय है उसको निवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य देव विद्या विदिता साविष्टम प्रपद आचार्यवान पुरुषो वेदा न अरेण अरेण प्रोक्ते सुविज्ञे यरुरेषु धर्मा। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक सदगुरु की स्तुति करके उसकी शरण में जाकर अपने मन में यदि प्रश्न हो तो उनका समाधान करना चाहिए, और ना हो आप स्वयं सर्वज्ञ हैं तत्वज्ञ तो जाने की पूछने की कोई जरूरत नहीं, और यदि प्रश्न है ही नहीं मूर्खता के कारण प्रश्न नहीं है तब भी मत जाइए, गुरु को परेशान करने की जरूरत नहीं। और यदि सब प्रश्नों का समाधान हो गया हो तब भी मत जाइए, लेकिन कुछ आपके कलेजे में ऐसा हो जो कीड़े की तरह काटता हो तो उसकी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए।